वेलकम बैक ये अब जॉब्स में आपका स्वागत है। तो आइए आज गल्फ जॉब अपडेट देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए देखते हैं अपडेट्स। सऊदी अरबिया के लिए सीवी सिलेक्शन है और ये कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग कंपनी है। ये सोयलमैक ऑर्गेनिक मशीन ऑपरेटर के लिए 8 लोगों की ज़रूरत है और शैने ऑर्गेनिक मशीन ऑपरेटर 8 लोगों की ज़रूरत है। रॉक ड्रिलिंग मशीन ऑपरेटर 14 लोगों की ज़रूरत है एंड कार्गो क्रेन ट्रक ड्राइवर की ज़रूरत है 18 लोगों के लिए। एकोमोडेशन और ट्रांसपोर्टेशन कंपनी की तरफ से होगा, आप सीवी यहां पे भेज सकते हैं। और आरके इंटरनेशनल से जॉब पब्लिश हुई है, एजेंसी अच्छी है। चलिए, इराक के लिए जॉब है ये, आरके इंटरनेशनल से ये जॉब पब्लिश हुई है और सीवी सिलेक्शन है। मेन लिफ्ट ऑपरेटर के लिए 7 लोगों के लिए है। हॉक फॉरमैन के लिए है। PTW होल्डर के लिए 4 लोगों के लिए है। हॉक सुपरवाइज़र के लिए है 6 लोगों के लिए। स्काफ होल्डिंग के लिए इंस्पेक्टर के लिए है 2 लोगों के। इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेटर के लिए 6 लोगों की ज़रूरत है और स्पूल जेंट कैड 2 लोगों के लिए है और इंस्ट्रूमेंट फीटर के लिए 10 लोगों के लिए है ये। और इलेक्ट्रिकल फीटर 7 लोगों के लिए है। इंस्ट्रूमेंट टर्मिनेटर 10 लोगों के लिए है और लिफ्टिंग इंजीनियर के लिए 5 लोगों के लिए है। और इंस्टॉलेशन फैब्रिकेटर 29 लोगों के लिए है और फायर प्रूफिंग सुपरवाइज़र 6 लोगों की ज़रूरत है और टिन स्मिथ फॉरमैन 4 लोगों की ज़रूरत है। ब्लास्टर 8 और ब्लास्टर 8 लोगों की ज़रूरत है यहाँ पे। और स्प्रे वर्कर 8 लोगों की ज़रूरत है और लेमिनेटर्स 15 लोगों की ज़रूरत है। हॉक फिटर 12 लोगों की ज़रूरत है और GTAW प्लस SMAW वेल्डर 5 लोगों की ज़रूरत है। और फूड एकोमोडेशन ट्रांसपोर्टेशन कंपनी यहाँ पे देगी आपको और से भी आप अपना भेज सकते हैं यहाँ पे। रिज्यूमे rk@gmail.com है यहाँ पे दिया हुआ ईमेल एड्रेस और अच्छी एजेंसी है, यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं आरके इंटरनेशनल। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कुवैत के लिए जॉब 22 से 25 तारीख को न्यू दिल्ली में इंटरव्यू होगा। और वैकेंसीज देख लेते हैं। 22 तारीख को जो वैकेंसीज के लिए इंटरव्यू होगी वो एम गैस फॉरमैन 15 लोगों के लिए है। मेडिकल गैस टेक्नीशियन 45 लोगों के लिए है। असिस्टेंट मेडिकल गैस टेक्नीशियन 56 लोगों के लिए है। और 23 तारीख को जो इंटरव्यू होगी वो लिफ्ट फॉरमैन और लिफ्ट टेक्नीशियन की है। और 24 तारीख को जो होगी डीजल जनरेटर टेक्नीशियन के लिए है। पंप मैकेनिक के लिए है 10 लोगों के लिए। बॉयलर टेक्नीशियन के लिए है 25 लोगों के लिए। और 25 तारीख को जो इंटरव्यू होगी वो कंट्रोल टेक्नीशियन हॉक के लिए है। 50 लोगों की वैकेंसी है, तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है यहाँ। जनरल फॉरमैन की ज़रूरत है यहाँ पे 15 लोगों की और हॉक फॉरमैन की ज़रूरत है 12 लोगों की और BMS ऑपरेटर 15 लोगों की ज़रूरत है। और अकोमोडेशन ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड होगा कंपनी की तरफ से यहाँ पे। और अपने जो CV आप यहाँ पे भेज सकते हैं आरके इंटरनेशनल में ये है, तो आप जाके आपको अगर रिक्वायर हो है तो अच्छी एजेंसी है, बहुत ही अच्छी है, रेपुटेड है ये, काफ़ी पुरानी एजेंसी है, अप्लाई कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। पोलैंड के लिए जॉब है और ये CV सिलेक्शन है, तो आप अपना CV यहाँ पे भेज दीजिए। HR असिस्टेंट मैनेजर की यहाँ पे ज़रूरत है और 5 साल का एक एक्सपीरियंस होना चाहिए HR पोजिशन, बैचलर डिग्री और रिलेवेंट फील्ड और इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए आपको। जनरल अफेयर असिस्टेंट मैनेजर 7 लोगों की ज़रूरत है। IT असिस्टेंट मैनेजर 9 लोगों की ज़रूरत है। एकोमोडेशन ट्रांसपोर्टेशन कंपनी देगी, आरके इंटरनेशनल से ये जॉब पब्लिश हुई है, एजेंसी अच्छी है। और अगर आपको फास्ट लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके आप पूरी डिटेल्स पढ़ लें यहाँ पे। नेक्स्ट देख लेते हैं। सीवी सिलेक्शन के लिए है, पोलैंड के लिए जॉब है और प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए है या DCC 5 लोगों की ज़रूरत है। 5 से 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको यहाँ पे दिया हुआ है, आप चेक कर लीजिए, बहुत सारी हैं। और एकोमोडेशन ट्रांसपोर्टेशन कंपनी की तरफ से मिलेगी, आरके इंटरनेशनल से ही जॉब पब्लिश हुई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 24 तारीख को चेन्नई में फ्री रिक्रूटमेंट कुवैत के लिए जॉब है। 2 महीने का शटडाउन प्रोजेक्ट है। इलेक्ट्रीशियन के लिए है और लुब्रिकेंट टेक्नीशियन के लिए है, बल्ब टेक्नीशियन के लिए, सैंड ब्लास्टर के लिए है, पेंटर के लिए है, ग्राइंडर के लिए है, पेंटिंग फॉरमैन के लिए है और रिगिंग फॉरमैन के लिए है, टेक्निकल डॉक्यूमेंटर के लिए है, वेल्डर के लिए है, पाइप फैब्रिकेटर के लिए, रिगर के लिए है, जनरल हेल्पर के लिए और जनरल फीटर के लिए है, पाइप फीटर के लिए है और
फायर वॉच के लिए है, यहाँ पे सैलरी इधर दिया हुआ है और यहाँ पे पीसीसी भी नहीं चाहिए, नो मेडिकल की ज़रूरत है। यहाँ पे दोनों तरह के पासपोर्ट के लोग अप्लाई कर सकते हैं। फ्री एकोमोडेशन मिलेगा आपको यहाँ से कंपनी से, और फूड भी मिलेगा, और यहाँ पे अपने जो भी है सर्टिफिकेट के साथ आपको आना है, और 3 से 5 साल का आपको शट डाउन का कैंडिडेट प्रिफर्ड है यहाँ पे जो एक्सपीरियंस हो। तो वेब्रांड प्रो HR से ये जॉब पब्लिश हुई है, तो यहाँ पे मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। पोलैंड के लिए जॉब है, अर्जेंट रिक्वायरमेंट बस ड्राइवर के लिए 5 साल का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए, और सैलरी यहाँ पे 5,250 पॉलिसर्स जेट लॉयटी कुछ है इनका रुपीस होंगे तो, और ओनली इंडियन ड्राइवर लाइसेंस ही रिक्वायर्ड है यहाँ पे, और इंग्लिश आपको आनी चाहिए। हैवी ड्यूटी मैकेनिक 5 साल का कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए, सैलरी आपको 4,000 और यहाँ पे मिलेगा। पेट्रोल फिलर की जरूरत है, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, सैलरी यहाँ पे 3100 पोलैंड के रुपीस होंगे यहाँ पे। तो चलिए मेंशन यहाँ पे सारा कुछ दिया हुआ, बायोडाटा आप दे सकते हैं यहाँ पे ईमेल एड्रेस में, और इनको कॉल कर सकते हैं। स्किलोटेक ओवरसीज से ये जॉब पब्लिश हुई है, एजेंसी अच्छी है ये। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। बहरीन के लिए जॉब है, अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, शिपयार्ड कंपनी है ये, साइट इंचार्ज और क्वालिटी कंट्रोलर, वेल्डर सुपरवाइजर, प्लेटर फैब्रिकेटर, प्लेटर सुपरवाइजर, टिग वेल्डर, टीम लीडर प्लेटर वेल्डर, CO2 टीम लीडर, टीम लेजर वेल्डर और वेल्डर प्लेटर, वर्क रिप्रेजेंटेटर एंड रिगिंग सुपरवाइजर। आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए और मरीन प्रोजेक्ट में एकोमोडेशन और मेडिकल ट्रांसपोर्टेशन कंपनी यहाँ पे देगी। सुटेबल कैंडिडेट को CV यहाँ पे आप जो है भेज सकते हैं, और 3 से 5 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए गल्फ कंट्रीज का। तो ये एजेंसी अच्छी है, यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए। रोस एक्सपोर्टर सर्विसेज है यहाँ पे। नेक्स्ट देख लेते हैं। UAE के लिए जॉब है, ड्राइवर के लिए है, और इंडियन हैवी लाइसेंस चाहिए आपको, और इंग्लिश आपको आनी चाहिए। एज लिमिट 40 साल है, इससे ऊपर नहीं अप्लाई कर दीजिएगा। 22 तारीख को ये इंटरव्यू होगा, और फ्री रिक्रूटमेंट है यहाँ पे, शट डाउन ही है प्रोजेक्ट यहाँ पे कतर के लिए है, और हैवी ड्राइवर और लाइट ड्राइवर दोनों के हैं यहाँ पे, और सैलरी यहाँ पे दिया हुआ है। आप देख सकते हैं हैवी ड्राइवर के लिए 1800 प्लस फूड अलाउंस 300 दिया हुआ है, और ACC प्लस ओवर टाइम भी दिया हुआ है। लाइट ड्राइवर के लिए 1400 प्लस 300 और प्लस ACC एंड OT, तो ओरिजिनल वैलिड लाइसेंस आपको होना चाहिए। मिनिमम जो एज लिमिट है वो 50 साल का है। फीफा प्रोजेक्ट के लिए कतर के लिए ही शटडाउन ही प्रोजेक्ट है ये। एडवर्टीजमेंट स्टीकर इंस्टॉलर के लिए है यहाँ पे, 2500 कुवैती रियाद से यहाँ पे आपको प्लस ACC मिलेगा आपको एकोमोडेशन, और किचन इक्विपमेंट टेक्नीशियन की ज़रूरत है 3500 रुपये और एकोमोडेशन मिलेगा। लॉन्ड्री इक्विपमेंट टेक्नीशियन ज़रूरत है यहाँ पे। फॉर फीफा के लिए कतर के लिए ही जॉब है यहाँ पे। स्टेवर्ड के लिए ज़रूरत है 1500 और प्लस फूड और एकोमोडेशन मिलेगा आपको। होटल इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए, और 43 साल का कम से कम आपको एज लिमिट है, उससे ऊपर नहीं होना चाहिए। चलिए इंटरेस्ट कैंडिडेट को यहाँ पे आप डायरेक्टली जो है डेट दिया हुआ है 27 को यहाँ पे जा सकते हैं स्टेवर्ड्स के लिए, ठीक है। बीचा से ये जॉब पब्लिश हुई है, केरला में इनका यह है कंसल्टेंसी, तो आप यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, सारी क्वेरीज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अबू धाबी के लिए जॉब है, लीडिंग कैटरिंग कंपनी है ये, HSS सुपरवाइजर फूड इंडस्ट्री के लिए, लॉन्ड्री सुपरवाइजर की ज़रूरत है, इंडियन शेफ की ज़रूरत है, कुक के लिए ज़रूरत है, असिस्टेंट कुक की ज़रूरत है यहाँ पे, और साउथ इंडियन नॉर्थ इंडियन हैवी वेटर और वेटर की ज़रूरत है, किचन बॉय की ज़रूरत है, चपाती मेकर की ज़रूरत है, बेकरी एंड पेस्ट्री शेफ की ज़रूरत है, बेकर की ज़रूरत है, सलाद मेकर की ज़रूरत है, बुचर की, लॉन्ड्री बैन और स्टोर हेल्पर की ज़रूरत है यहाँ पे। ऑफशोर प्लेटफॉर्म कतर के लिए यहाँ पे ज़रूरत है। ब्लास्टिंग एंड पेंटिंग इंक लेवल 1-3 तक चलेगा, और हैंड या पावर टूल रिप्रेजेंटेटर रोलर पेंटिंग IRATA लेवल 1-3 चलेगा, ठीक है।
रिगर की ये जरूरत है यहाँ पे, और 2 और 3 लेवल के लिए है। अर्जेंट रिक्वायरमेंट है कतर के लिए केमिकल कैटलिस्ट क्रेन ऑपरेटर और बैरियर मैकेनिकल फीटर फॉरमैन टेक्नीशियन। ऑफिस स्टाफ रिक्वायर्ड है मुंबई और चेन्नई के लिए। एक्मे इंटरप्राइजेस से जॉब पब्लिश हुई, एजेंसी अच्छी है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सऊदी अरबिया के लिए सीवी सिलेक्शन है, आरके इंटरनेशनल से जॉब पब्लिश हुई है और प्लांट इक्विपमेंट वर्कशॉप सुपरवाइजर है यहाँ पे। सैलरी आपको USD 2000 से USD 2500 आपको मिलेगी। सारी डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है, आप एक बार चेक कर लीजिए। फूड एकोमोडेशन ट्रांसपोर्टेशन कंपनी देगी आपको, एजेंसी बहुत अच्छी है ये। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सऊदी अरबिया के लिए जॉब है अलियामा ऑपरेशन मेंटेनेंस थेर इंटरनेशनल एयर प्रोजेक्ट के लिए रिक्वायर है प्रोजेक्ट मैनेजर असिस्टेंट मैनेजर और MEP सुपरवाइजर MEP इंजीनियर UPS टेक्नीशियन क्लीनिंग सुपरवाइजर है टेक्नीशियन मोबिलाइजेशन रिसोर्सेस लीड और चिलर टेक्नीशियन सुपरवाइजर सॉरी सर्विस प्लानिंग एंड ऑपरेशन लीड और FIR फाइटिंग टेक्नीशियन और इंटरफेस मैनेजमेंट लीड और फायर अलार्म टेक्नीशियन वेस्ट मैनेजमेंट लीड लो करेंट CCTV टेक्नीशियन वेस्ट मैनेजमेंट फॉरमैन की ज़रूरत है वहाँ पे ऑटोमेशन इंजीनियर स्कैड इंजीनियर सॉफ्ट इंजीनियर सॉफ्ट सर्विस लीड सॉफ्ट सर्विस सुपरवाइजर एंड ऑपरेशन इंजीनियर मीडियम वोल्टेज एंड मीडियम एंड या हाई वोल्टेज टेक्नीशियन की ज़रूरत है यहाँ पे और फेडेक क्लीनिंग सुपरवाइजर की ज़रूरत है यहाँ पे मोटर पंप टेक्नीशियन की ज़रूरत है और फेडेक क्लीनर की यहाँ पे ज़रूरत है और मोटर पंप टेक्नीशियन की यहाँ पे ज़रूरत है और MEP या मैकेनिकल टेक्नीशियन की ज़रूरत है यहाँ पे पेस्ट कंट्रोल लीड की ज़रूरत है और पंप टेक्नीशियन की ज़रूरत है पेस्ट कंट्रोल की ज़रूरत है लो वोल्टेज टेक्नीशियन की ज़रूरत है और हार्ट सर्विस मैनेजर की ज़रूरत है या इंजीनियर की और यहाँ पे प्लम्बर की ज़रूरत है की मैनेजर की मेकर की ज़रूरत है और यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रॉनिक टेक्नीशियन की ज़रूरत है इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन की ज़रूरत है और MEP फॉरमैन की ज़रूरत है और लैब टेक्नीशियन की ज़रूरत है STP इंजीनियर्स की ज़रूरत है। 22 से 25 साल के आपको यहाँ पे एज लिमिट है। 8 घंटे की ड्यूटी होगी, ओवर टाइम होगा। ITI या डिप्लोमा आपको होना चाहिए टेक्नीशियन के लिए और इंजीनियरिंग के लिए आपको डिग्री होना चाहिए। मिनिमम जो है 4 साल का आपको टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए। अगर टेक्निकल वर्क है तो फ्री एकोमोडेशन प्रोवाइड होगा कंपनी से यहाँ से। ASP मैक्स कंसल्टेंट से जॉब पब्लिश है। इंटरव्यू 29 को होगा ये बैंगलोर में, तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एजेंसी भी अच्छी है यहाँ पे, तो आप भरोसा कर सकते हैं इस पर और अप्लाई कीजिए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। CV सिलेक्शन है और लार्ज नंबर ऑफ वैकेंसीज है यहाँ पे। पोजीशन चलिए देख लेते हैं सऊदी के लिए। IT टेक्नीशियन और इलेक्ट्रीशियन क्लर्क सीमेंट ग्रुप ऑफिस अटेंडेंट्स इंग्लिश स्पीकिंग और वेटर वाटरप्रूफिंग जनरल वेल्डर ऑपरेटर फॉर 1-2 शिफ्ट इक्विपमेंट स्टोर कीपर और फॉरमैन टनल ऑपरेटर ऑटोमेटिक और कंट्रोलर लेबर और फ्लैगमैन RCC और रिगर मैशन क्लीनर स्टील फिक्सर एंड प्लम्बर की ज़रूरत है यहाँ पे। और देख लेते हैं इधर भी मशीन एलिविया एंड शॉर्टेड मशीन वाटर ट्रक एंड व्हील लोडर की ज़रूरत है। इंटरनेशनल सिटी लिंक से ये जॉब पब्लिश हुई है। एजेंसी यहाँ पे सही है, आप अप्लाई कर सकते हैं। मोबाइल नंबर वगैरह सारा कुछ दिया हुआ है, ईमेल एड्रेस भी दिया हुआ है, तो अप्लाई कीजिए आप। समया ग्रुप सऊदी क्लाइंट इंटरव्यू होगा 29 को। एज लिमिट यहाँ पे दिया हुआ है 24 से 40 साल का और बहुत सारी वैकेंसीज हैं यहाँ पे, चलिए देख लेते हैं। हॉक टेक्नीशियन बॉयलर ऑपरेटर इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन जनरल नेटवर्क टेक्नीशियन मैकेनिकल टेक्नीशियन और फायर फाइटिंग टेक्नीशियन कार मैकेनिक मेंटेनेंस प्लम्बर और वॉशिंग मशीन टेक्नीशियन एंड एलिवेटर मशीन एंड वाटर पंप ऑपरेटर मेडिकल गैस टेक्नीशियन ऑटो टेक्नीशियन ऑटो इलेक्ट्रीशियन वाटर डिस्पेंसर प्लांट ऑपरेटर मशीन एंड स्वैग
वेरीफाइंग टेक्नीशियन की ज़रूरत है। 5 से 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए या ITI डिप्लोमा होना चाहिए आपको। फ्री फूड एंड अकोमोडेशन आपको यहाँ पे मिलेगा और 8 घंटे की ड्यूटी है, ओवर टाइम भी मिलेगा। रोलेक्स ट्रोल एंड ट्रैवल सर्विसेज से यह जॉब पब्लिसिटी एजेंसी अच्छी है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, सऊदी अरबिया के लिए जॉब है और ये क्लाइंट इंटरव्यू 22 और 23 तारीख को होगा। और बिल्डिंग जॉब देखते हैं, बिल्डिंग इलेक्ट्रीशियन, स्टील फिक्सर, प्लम्बर, शटरिंग कारपेंटर, कंस्ट्रक्शन लेबर, और सभी कैंडिडेट के पास कम से कम 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अल हुदैफ HR कंसल्टेंसी से जॉब पब्लिश हुई, एजेंसी अच्छी है। तो आज के लिए इतना ही था, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और अगर दोस्तों के साथ शेयर करते हैं तो मेहरबानी है। चलिए, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी।